नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव में जॉब पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने बड़ा सवाल उठाया। चिराग पासवान ने कहा कि चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस या जेडीयू या बीजेपी, जब बिहार में इनकी सत्ता थी तब इन्होंने नौकरियाँ नहीं दी, लेकिन अब जब बिहार में चुनाव है तो ये सभी जो पार्टियाँ हैं दावा कर रहे हैं बिहार में कि नौकरियाँ देंगी। जब इनकी सरकार थी, जब ये सत्ता में थे, तो इन्होंने नौकरियाँ क्यों नहीं दी? विशेष क्या कुछ कहा लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने, आप खुद सुनिए। 2005 में आपने कहा था कि आपका सपना है कि भैया सारे प्रवासी वापस आ जाए अपने प्रदेश, पलायन रुक जाए। 15 साल में आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, तो कर पाए तो बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे? 15 साल में बिहारियों का उनकी इज्जत वापस नहीं बढ़ा पाए। बिहारी आज भी बिहारी शब्द को गाली बना के रखा गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? शिक्षा व्यवस्था बदल है, आदमी सर्विसेज की पढ़ाई के लिए कोचिंग के लिए लोग दिल्ली भाग रहे हैं, लोग कोटा भाग रहे हैं, मुखर्जी नगर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भैया? 15 साल में आप अपनी एक उपलब्धि बता दीजिए ना, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके मंत्रियों की तबियत खराब होती, भागे हुए दिल्ली जाते हैं, क्यों जाते हैं दिल्ली इलाज कराने? अगर दिल्ली स्वास्थ्य सेवा आपने मेरिटिव ये सेट होना चाहिए तो मेरिटिव मुख्यमंत्री क्या सेट करना चाहते हैं? ज्यादा को लेकर आएंगे। तो आपने सुना चिराग पासवान इस तरह लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही साथ जो अन्य दल हैं उन पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब बिहार में इनकी सत्ता थी तो इन्होंने नौकरियां नहीं दी, अब जब चुनाव है तो ये नौकरी देने का दावा करते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।